श्रमिक मंत्र न्यूज आपके साथ मैं हूँ आलोक शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में अपने 3 दिनों के दौरान उत्तराखंड के लिए 12,000 करोड़ के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए। सीएम धामी ने निवेशकों को बताया कि उत्तराखंड की शांत वादियां वहां काम करने के लिए सुकून भरा वातावरण देती है जो कहीं और जगह नहीं है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्होंने उद्योग जगत के लिए 27 नीतियां के साथ साथ लैंड बैंक भी तैयार किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में निवेशकों को सरकार हर तरह का सुविधा व सहयोग देगी। यहाँ जो हमारा 4 दिनों का यहाँ का प्रवास रहा है, जिसमें संवाद कार्यक्रम हुए हैं, अनेक सारे निवेशकों के द्वारा निवेश के हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में हमको निवेश प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है और बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी वह लोग भी अब संपर्क कर रहे हैं। और उत्तराखंड सबके लिए एक उत्तराखंड राज्य भारत का, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, एक रिश्ता है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड का तेज़ी से विकास हुआ है और लोगों का आकर्षण बढ़ा है, हमने एक बड़ा लैंड बैंक उत्तराखंड के अंदर बनाया है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, हमने 27 से भी ज़्यादा ऐसे नीतियाँ हम अमल में लाए हैं जो हमारे निवेशकों के लिए, उद्योग समूह के लिए, उत्तराखंड में निवेश करने वालों के लिए बहुत प्रकार से लाभकारी होने वाली है। इसलिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा एक इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो आयोजित होना है, उसमें आप सब लोग प्रतिभाग करें और उत्तराखंड आइए, विजिट करिए और निवेश करिए।